सब्सक्राइब करें रिया ड्रेस मेकर चैनल को और प्रेस करें बेल आइकन को हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल रिया ड्रेस मेकर। आज हम इस वीडियो में डिज़ाइनर कुर्ती बनाएंगे। तो यहाँ पे मैंने ग्रीन प्लेन फैब्रिक और प्रिंटेड फैब्रिक लिया है। ग्रीन फैब्रिक है 2 मीटर और प्रिंटेड फैब्रिक है 1 मीटर। तो चलिए इसे बनाना हम शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने फैब्रिक को 4 फोल्ड किया है। ये है फोल्डिंग एरिया और यहाँ से हम शोल्डर की ब्रॉडनेस लेंगे 7 इंचेस। अब यहाँ से हम आर्म होल की लेंथ लेंगे 6.5 इंचेस। अब हम चेस्ट का पार्ट लेंगे जिसकी ब्रॉडनेस हमने लिया है 10.5 इंचेस। आपका जो भी मेजरमेंट हो उसे डिवाइड बाई 4 करके 1 इंचेस एक्स्ट्रा लेना है सिंगल आर्म्स के लिए। अब शोल्डर एरिया से नीचे की तरफ 15 इंच पे हम मार्क करेंगे कमर की लेंथ, और हिप्स की लेंथ हम लेंगे 21 इंचेस। कमर की ब्रॉडनेस हमने लिया है 9.5 इंचेस। और हिप्स की ब्रॉडनेस हमने लिया है 11 इंचेस। अब तीनों पॉइंट्स को मिलाते हुए कर्व शेप देंगे। हमारी कुर्ती की लेंथ 42 इंचेस है। 40 इंच हमारी कुर्ती की लेंथ है और 2 इंच हमने एक्स्ट्रा लिया है। अब यहाँ से इस तरह क्रॉस में लाइन ड्रॉ करेंगे और नीचे से राउंड शेप देते हुए ड्रॉ करेंगे। अब हम आर्म होल का शेप देंगे इस तरह। अब सभी मार्किंग को हम कट कर लेंगे। तो इस तरह हमने फ्रंट के लिए और बैक के लिए 2 पार्ट कट कर लिए हैं। अब ये है हमारा बैक का पार्ट। उसकी नेक की चौड़ाई हम लेंगे 2.5 इंचेस और उसकी लेंथ हम लेंगे 3.5 इंचेस। राउंड शेप देंगे और इसे कट करेंगे। इसी तरह फ्रंट पार्ट की नेक की चौड़ाई भी हम 2.5 इंच लेंगे और उसकी नेक की लेंथ हम लेंगे 6 इंचेस और राउंड शेप देंगे और उसे कट लगाएंगे। और फ्रंट पार्ट के आर्म होल में हल्का सा राउंड शेप देते हुए कट करेंगे। अब हम स्लीव की कटिंग करेंगे। यहाँ पे मैंने स्लीव के लिए प्रिंटेड फैब्रिक लिया है और इसे मैंने 4 फोल्ड किया है। उसकी ब्रॉडनेस हमने लिया है 8.5 इंचेस और यहाँ से नीचे की तरफ हम 3 इंच पे मार्क करेंगे और हल्का सा राउंड शेप देते हुए आर्म होल का शेप देंगे। हमारी स्लीव की लेंथ है 16.5 इंचेस। अब मोरी की चौड़ाई हमने लिया है 6 इंचेस और लाइन ड्रॉ कर लिया है। अब इसे हम कट करेंगे। अब दोनों स्लीव को हम ओपन करेंगे और 1 साइड हल्का सा राउंड शेप देते हुए कट कर लेंगे। इस तरह हमने 2 पीस कट कर लिए हैं। अब हमने यहाँ पे 1/2 इंच जितना फैब्रिक लिया है उसे इस तरह 2 फोल्ड करेंगे। और उसके ऊपर हम फ्रंट पार्ट को रखेंगे। दोनों पार्ट के फोल्डिंग एरिया को मिलाते हुए हम इस तरह अच्छे से मिलाएंगे और इसे कट लगाएंगे। प्रिंटेड फैब्रिक की लेंथ हमने कमर की लेंथ तक
लिया है, तो इस तरह हमने कट कर लिया है। अब नेक की तरफ फोल्डिंग है, इससे भी हम कट कर लेंगे। इस तरह हमने फ्रंट पार्ट के दो पीस किए हैं। अब इस पार्ट के नीचे हम 1 इंच एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेंगे। अब यहाँ पे हम पाइपिंग करेंगे, तो इस तरह दोनों पार्ट के दोनों तरफ हमने पाइपिंग बना ली है, नीचे और ऊपर की तरफ। अब दोनों पार्ट को जोड़ने के लिए मैंने 2 इंच की स्ट्रिप ली है, उसे इस तरह ऊपर से फोल्ड करेंगे और इस तरह सेंटर में से फोल्ड करेंगे और एक पार्ट को हम इसी के साथ जोड़ लेंगे। सिलाई लगाने के बाद इसके ऊपर हम पोटली बटन अटैच करेंगे। तो हमने यहाँ पे स्क्वायर फैब्रिक लिया है, इसके अंदर हम बारीक कट किए फैब्रिक के टुकड़े लेंगे इस तरह, और इसे फैब्रिक में इस तरह बीच में रखते हुए इसे इस तरह लपेट लेंगे। अगर आपके पास थर्माकोल बॉल हो तो उसको आप यूज़ कर सकते हैं। इस तरह मैंने इस तरह फैब्रिक को लपेटते हुए धागे से हम इस तरह बांध लेंगे। तो इस तरह हमने पोटली बटन बनाए हैं। अब इसे नीचे तक 1 बाय 1 इस तरह रखेंगे। और इसके पार्ट के साथ अटैच कर लेंगे और दूसरे पार्ट को इसके ऊपर रखेंगे और सिलाई लगा के दोनों पार्ट को जोड़ लेंगे। तो इस तरह हमने दोनों पार्ट को जोड़ लिया है। अब हमने फ्रंट का पार्ट लिया है। फ्रंट के राइट साइड हम इस पार्ट को उल्टा रखेंगे। इस तरह फ्रंट के रॉन्ग साइड इस फैब्रिक को उल्टा रखेंगे और सिलाई लगाएंगे नेक में। इसी तरह बैक पार्ट के राइट साइड स्ट्रिप को हम अटैच करेंगे नेक पे और रॉन्ग साइड फोल्ड करते हुए सिलाई लगाएंगे। तो इस तरह स्ट्रिप अटैच कर ली है और फ्रंट पार्ट में हमने इसे नेक में जोड़ लिया है। अब हम हल्के हल्के नोचिस लगाएंगे और इस पार्ट को राइट साइड टर्न कर लेंगे। अब दोनों फैब्रिक को हम अटैच कर लेंगे, नीचे की तरफ खुला रहेगा और दोनों तरफ हम सिलाई लगा के अटैच कर लेंगे। अब फ्रंट पार्ट के राइट साइड बैक पार्ट को उल्टा रखेंगे इस तरह। दोनों शोल्डर को अटैच कर लेंगे। तो ये देखिए हमने शोल्डर अटैच कर लिया है। अब हम स्लीव अटैच करेंगे। तो कुर्ती के राइट साइड हम स्लीव को उल्टा रखेंगे और इसे सिलाई लगा के अटैच करेंगे और नीचे की मोरी में हम स्ट्रिप अटैच करेंगे। तो इस तरह हमने दोनों स्लीव को अटैच कर लिया है। नीचे की तरफ हमने इस तरह स्ट्रिप अटैच की है। अब दोनों पार्ट के राइट साइड को मिलाना है और हम फिटिंग करेंगे। तो मेरे मेजर के अकॉर्डिंग चेस्ट का पार्ट है 17 इंचेस। और शोल्डर एरिया से नीचे हम कमर की लेंथ लेंगे और हिप्स की लेंथ लेंगे। कमर की ब्रॉडनेस हमने लिया है 15 इंचेस।
और हिप्स की ब्रॉडनेस हमने लिया है 18 इंचेस। अब इस सभी पॉइंट्स को मिला तो है लाइन ड्रॉ कर लेंगे। इसी तरह स्लीव की फिटिंग करेंगे हम। इस तरह सभी मार्किंग हो जाने के बाद हम सिलाई लगा के फिटिंग करेंगे। फिटिंग करने के बाद नीचे की बॉर्डर है उसे रॉन्ग साइड फोल्ड करते हुए सिलाई लगाएंगे। तो इस तरह हमने फिटिंग कर ली है और नीचे की बॉर्डर को भी हमने टू फोल्ड करते हुए सिलाई लगा ली है। अब कुर्ती का हम राइट साइड टर्न करेंगे। अब नीचे के बॉर्डर पे हम स्ट्रिप अटैच करेंगे। तो यहाँ पे मैंने 2 इंच की स्ट्रिप ली है, उसे फ्रंट पार्ट में अटैच करना होगा। तो इस तरह दोनों तरफ फैब्रिक को फोल्ड करते हुए हम अटैच कर लेंगे। अब यहाँ पे हम टसल्स अटैच करेंगे। तो हमने यहाँ पे स्क्वायर फैब्रिक काट लिए हैं। अब इस पीस के राइट साइड हम दूसरे पीस को उल्टा रखेंगे। इस तरह दोनों पीस को अच्छे से मिलाएंगे और सेंटर में से इस तरह फोल्ड करेंगे और इसे ट्रायंगल शेप में कट कर लेंगे। कट करने के बाद हम दोनों तरफ ट्रायंगल शेप में सिलाई लगाएंगे। इसी तरह सभी फैब्रिक को हम सिलाई लगाएंगे। तो हमने इस तरह सिलाई लगा दी है सभी फैब्रिक के ऊपर। अब हम इसे टू फोल्ड करेंगे और नीचे की तरफ हम डिज़ाइन बनाएंगे। तो इस तरह हमने नीचे की तरफ डिज़ाइन बना ली है। अब इसे राइट साइड टर्न कर लेंगे। तो इस तरह हमने हम सभी ट्रसेस बना लेंगे। अब इस सभी ट्रसेस को हम नीचे इस तरह अरेंज कर लेंगे। तो इस तरह हमने ट्रसेस को अटैच कर लिया है और कुर्ती को मैंने रेडी कर लिया है। तो तैयार है हमारा डिज़ाइनर लॉन्ग कुर्ती। यदि यह डिज़ाइन आपको अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी ज़रूर क्लिक करिएगा ताकि आने वाले नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।